Welcome students. Today we will start chapter 4 of your science subject. Chapter 4. Science की book है Let's Learn Science for Class 6 और Educard publisher है इस book के. तो हम पढ़ेंगे chapter 4. Name है Sorting Materials into groups. Materials किसी भी object को या किसी भी चीज को हम sort अलग करते हैं groups में, divide करेंगे हम इस chapter में. इसके key points हैं, सबसे main first जो हम पढ़ेंगे वो होगा grouping things on the basis of materials they are made of. It means कि हम जो materials हैं उसको divide करेंगे किस base पर, कि वो किस चीज से बने हुए हैं, इससे हम इसको divide करेंगे. जैसे अगर मैं एक example लूँ, pen है मान लीजिए, तो pen आप किस किस से बना सकते हैं? पेन आप वुड का पेन भी बना सकते हैं, इसके बाद स्टील का भी बना सकते हैं और प्लास्टिक का पेन भी हो सकता है. तो आप किस चीज से बना रहे हो उसे, दे आर मेड ऑफ, वो किससे बना हुआ है, इस अकॉर्डिंग हम डिवाइड करते हैं मटेरियल्स को, ग्रुप करते हैं चीजों को, अलग अलग ग्रुप में रखते हैं. तो पेन का मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, तो इसका अभी हम डिटेल बाद में पढ़ेंगे. अभी हम की पॉइंट देख रहे हैं कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे. फर्स्ट है कि किस ऑब्जेक्ट से बन रहा है आपका कोई भी मटेरियल बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको डिवाइड करेंगे. सेकंड होगा ग्रुपिंग थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूजेस, कि आप यूज क्या ले रहे हैं, किसी भी चीज को किस यूज में ले रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग डिवाइड करना. जैसे अभी हम स्टडी कर रहे हैं, हम स्टडी के लिए ही पढ़ लेते हैं कि देखते हैं एग्जांपल कि फॉर स्टडी आपको किस किस चीज की जरूरत होगी. आपको फॉर स्टडी सबसे पहले पेन या पेंसिल चाहिए होगा, आपको एक कॉपी भी चाहिए होगी नोट डाउन करने के लिए. इसके बाद अगर आपको विद द हेल्प ऑफ बुक पढ़ना है तो आपको बुक भी नेसेसरी होगी. तो स्टडी के लिए आपको किस किस चीज की जरूरत है वो आपने अलग किया है, अलग ग्रुप बनाया है. सिमिलरली अगर हम बात कर रहे हैं गेम की, फॉर गेम्स आपको किस किस चीज की जरूरत है, आपको यहाँ लिखेंगे आप फुटबॉल से खेल रहे हैं, बॉल से खेल रहे हैं, या आप किसी वीडियो गेम से खेल रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं, जो भी खेल रहे हैं, तो उसका आप ग्रुप अलग बनाएंगे. तो ग्रुप आप एक तो बना सकते हैं कि कोई भी चीज या कोई भी मटेरियल, कोई भी थिंग किस चीज से बनी हुई है उसके अकॉर्डिंग ग्रुप करोगे, या उसका यूजेस क्या है, आप स्टडी के लिए क्या क्या यूज ले रहे हैं, गेम के लिए क्या क्या यूज ले रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग आप उसको ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं. तो सेकंड पॉइंट है ये बेसिस ऑफ देयर यूजेस. थर्ड पॉइंट विल बी प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स. हम यहाँ जिस भी मटेरियल की बात कर रहे हैं, क्या क्या प्रॉपर्टी है, क्या क्या क्वालिटी है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स थर्ड पॉइंट हमारा ये होगा. जैसे कोई भी मेटल है या कोई भी चीज है, अपीयरेंस कैसा दिख रहा है, कैसा उसका टेक्सचर है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, तो जो भी उसके बारे में हम लिख सकते हैं वो उसकी प्रॉपर्टीज होगी, वो उसकी क्वालिटी होगी. तो थर्ड हम टॉपिक पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स. फोर्थ जो टॉपिक पढ़ेंगे, फोर्थ टॉपिक ग्रुप का ही है, फोर्थ ग्रुपिंग थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज. क्या प्रॉपर्टीज हैं उसके अकॉर्डिंग हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्रुप कर रहे हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. फिफ्थ होगा अदर प्रॉपर्टीज. इसके बाद ये सारी प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद कुछ और प्रॉपर्टीज भी होंगी मटेरियल्स की, तो अदर प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स
हमारा फिफ्थ पॉइंट होगा एंड लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर विल बी एडवांटेज ऑफ क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन का मतलब है ये ग्रुप में डिवाइड करना. हम मटेरियल्स को ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम क्यों डिवाइड कर रहे हैं, इसका हमें क्या फायदा है. तो इस क्लासिफिकेशन का, इस डिवाइड करने का, ग्रुप बांटने का जो फायदा है, जो एडवांटेज है, क्या क्यों जरूरी है ये, इसके बारे में हम लास्ट चैप्टर का सिक्स पॉइंट है. तो हम इस चैप्टर में छह पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे. इसके बाद स्टार्ट करते हैं. डू यू नो व्हाई दिस चैप्टर इज इंक्लूडेड इन योर बुक, कि आपकी बुक में ये चैप्टर इंक्लूड क्यों किया गया है. द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्टिंग इज नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट इन साइंटिफिक स्टडी, इट ऑल्सो हेल्प्स इन मैनेजिंग आर होम एंड आर लाइफ. हमारे लिए ये सिर्फ पढ़ना जरूरी नहीं है, इसको समझना भी जरूरी है, बिकॉज ये हमारी डे टू डे लाइफ में भी काम में आने वाला है, सॉल्ट करना किसी भी चीज को. द चैप्टर मेक्स यू लर्न द डिफरेंट एप्लीकेशन ऑफ दिस स्किल इन डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ. आपके लाइफ के डिफरेंट चैप्टर आते हैं, बहुत सारे मोड आते हैं आपकी लाइफ के ऐसे, जहां आपको इन चीजों की जरूरत होगी समझने की. सो वंस यू हैव फिनिश दिस चैप्टर ट्राई टू अप्लाई दिस स्किल इन योर डे टू डे लाइफ. तो इन चीजों को सॉर्ट करना, संभालना आपको ये अपनी डे टू डे लाइफ में भी सीखना चाहिए. नाउ चैप्टर पर आते हैं. वी कम अक्रॉस मेनी थिंग्स आर डेली लाइफ. There are some natural things, why other are man-made. तो सबसे फर्स्ट जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, नेचुरल थिंग्स एंड मैन मेड थिंग्स. फर्स्ट टॉपिक होगा नेचुरल थिंग्स एंड सेकेंड मैन मेड थिंग्स. नेचुरल थिंग्स क्या होते हैं, मैनमेड थिंग. नेचुरल थिंग्स एज द नेम सजेस्ट, नेचुरल, तो आपको नेचर से ही, नेचुरली ही मिलेंगे. तो अगर मैं इसको एक लाइन में लिखूं तो हम लिख सकते हैं ऑब्टेन्ड डायरेक्टली फ्रॉम नेचर. अगर आपको नेचर से कोई चीज डायरेक्टली ऑब्टेन्ड मिल रही है तो वो होगा नेचुरल थिंग्स और नॉट मेड बाय मैन. हम नॉर्मली हम उसको नहीं बना सकते हैं, नेचर से मिलेगी वो होगी नेचुरल थिंग्स. एंड सेकेंड मैनमेड थिंग्स मेड बाय अस, मैन वुमेन कोई भी जो हम खुद बनाते हैं वो होगा मैनमेड थिंग्स, नॉट ऑब्टेन्ड बाय नेचर, हमें नेचर से नहीं मिलेगा. क्लियर. इसके बाद बुक में देखिए, द थिंग्स विच आर मेड बाय नेचर एंड कैन नॉट बी मेड बाय ह्यूमंस. ऐसी चीजें जो हम नेचर से ही मिलती हैं, हम ह्यूमंस या मैन हम नहीं बना सकते हैं, ऐसी चीजों को हम रखते हैं नेचुरल थिंग्स में. नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स आर मैनमेड ऑब्जेक्ट्स. और ऐसे ऑब्जेक्ट जो आपको नेचुरली नहीं मिलते हैं, मैनमेड होते हैं, उनको हम मैनमेड ऑब्जेक्ट्स में रखेंगे. All man-made things are non-living. Living और non-living आप समझते हैं, तो non-living होंगे जितने भी ये man-made things होंगे, यहां आप लिख लीजिए non-living objects. और जो natural चीजें होती हैं वो living भी हो सकती हैं और non-living both. Natural things living भी हो सकती हैं और non-living दोनों हो सकते हैं, और man-made only non-living. इसके बाद नेचुरल थिंग्स कैन बी क्लासिफाइड एज लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स. ऑल थिंग्स दैट कैन ब्रीथ एंड नीड फूड आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स. इसके बाद अब हमने लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स पढ़ा है, इनकी डेफिनेशन हम पढ़ेंगे कि लिविंग थिंग्स क्या है और नॉन लिविंग थिंग्स क्या है. डेफिनेशन है लिविंग थिंग्स की, थिंग्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स दैट कैन ब्रीथ
ब्रीथ कर सकते हैं, ब्रीथिंग की प्रोसेस होती है, एंड जीने के लिए खाना चाहिए एंड नीड फूड फॉर लिविंग आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स। एंड सिमिलरली जो लिविंग थिंग्स नहीं होंगी, अदर थिंग्स जो बच जाएंगी, दे आर टर्म्ड एज नॉन लिविंग थिंग्स। जिनको खाना नहीं चाहिए जीने के लिए या फिर ब्रीथिंग की प्रोसेस नहीं होती है, वो कैटेगराइज होंगी नॉन लिविंग थिंग्स में। सो वी कैन ग्रुप थिंग्स एज लिविंग और नॉन लिविंग, और लिविंग को हम नेचुरल भी बोल सकते हैं, नॉन लिविंग को मैनमेड भी बोल सकते हैं। लेट अस आइडेंटिफाई द मटेरियल विथ विच द ऑब्जेक्ट लिस्टेड। टेबल है, टेबल बनाई गई है। जो हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था कि ग्रुपिंग थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल दे आर मेड ऑफ, कि हम ग्रुप करेंगे चीजों को कि वो जिससे बनी हुई है उसमें टेबल बनाएंगे। तो टेबल है पेज नंबर 37 पर है टेबल। जिसमें हमने बताया है, ग्रुप किया है चीजों को कि वो किससे बनी हुई है। सबसे पहला ऑब्जेक्ट पेन। पेन का एग्जांपल मैं आपको दे चुकी हूँ। प्लास्टिक से बना सकते हो आप पेन को। पेन स्टील का भी हो सकता है, पेन वुड का भी हो सकता है। क्लियर? तो हम पेन किसी जिस ऑब्जेक्ट से बना रहे हैं आपको उनको लिखना है। इसके बाद सेकेंड चेयर। सिमिलरली चेयर प्लास्टिक की भी हो सकती है, वुड की भी हो सकती है, लकड़ी की। इसके बाद इरेजर। ये एक्टिविटी आपको कंप्लीट करनी है, इरेजर किस किस चीज का होगा। इसके बाद कार, बुक, स्केल और स्कूल बैग। तो आपको ये किस किस चीज से बना सकते हैं ये आपको कंप्लीट करना है। इसके बाद है देयर कैन बी सेवरल ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल। इसमें से आपको कुछ चीजें ऐसी मिलेंगी जिनमें मटेरियल सेम हो सकता है, जैसे पेन है प्लास्टिक और वुड, और चेयर में भी प्लास्टिक और वुड, तो मटेरियल सेम हो सकता है। तो आपको ये टेबल कंप्लीट करनी है। फॉर एग्जाम्पल्स बुक, नोटबुक, न्यूज पेपर एंड मैगजीन्स, ये चारों चीजें मेड अप ऑफ पेपर, कागज से बनेगी। सिमिलरली मैनी कुकिंग वेसल्स आर मेड अप ऑफ मेटल, जो हमारे बर्तन होते हैं वो किसी न किसी मेटल के बने हुए होते हैं। ऑब्जेक्ट्स मे बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर शेप, साइज, कलर, यूजेस और वेरियस अदर प्रॉपर्टीज ऑल्सो। आप ऑब्जेक्ट को क्लासिफाई कर सकते हैं अलग अलग तरीके से, बाय शेप कर सकते हैं कि आप रेक्टेंगल चीजें एक जगह रखेंगे, स्क्वायर चीजों को आप एक जगह रखेंगे। आपका डे टू डे लाइफ में क्या काम है, जैसे आपकी जो बुक इस साइज की है आप उनको एक के ऊपर एक अरेंज कर सकते हो, जो बुक आपकी छोटी साइज की है, जो नोटबुक्स आपके छोटे साइज के हैं आप उनको एक अरेंज कर सकते हो। ऐसा नहीं है एक छोटा एक बड़ा आप अरेंज करेंगे, तो ये हमारा डे टू डे लाइफ में सॉर्टिंग काम आती है। सॉर्टिंग मीन छांटना या अलग करना किसी भी चीज को। तो आप उसको किस किस तरह से अलग कर सकते हो, शेप के अकॉर्डिंग अलग कर सकते हो, छोटे चीजें अलग, बड़ी चीजें अलग, साइज के अकॉर्डिंग, कलर के अकॉर्डिंग, जैसे आपने ग्रीन चीजें सारी एक तरफ रखी, रेड एक तरफ, येलो एक तरफ एंड वेरियस अदर प्रॉपर्टीज, और अलग अलग प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग भी आप अलग कर सकते हैं। इसके बाद है ग्रुपिंग थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूजेस। सेकेंड जो टॉपिक हमने पढ़ा था कि आप यूजेस के अकॉर्डिंग चीजों को कैसे ग्रुप कर सकते हो, तो इसमें आपको ये एक्टिविटी आपको कंप्लीट करनी है, पेज नंबर 37 पर ही है। फर्स्ट है स्टेशनरी। जो स्टेशनरी सामान होता है आप सभी को पता है स्टेशनरी थिंग्स, तो वो आपके किस यूज में आती है स्टेशनरी थिंग्स आपको वो लिखना है। सबसे पहला मेन स्टडी में भी काम आती है आपकी स्टेशनरी की चीजें हैं। आप स्टेशनरी पेंटिंग में भी काम में ले सकते हैं, आप कोई भी क्रिएटिव चीजें बना सकते हैं फॉर मेकिंग क्रिएटिव थिंग्स। तो आप स्टेशनरी को किस अलग अलग यूज क्या है उसके आपको वो लिखना है। सेकंड है क्लोथ्स, कपड़े आप किस किस काम में ले सकते हैं। फूड आइटम्स, इसके बाद फ्लावर्स एंड
एंड लास्ट फर्नीचर। तो ये आपको एक्टिविटी खुद को कंप्लीट करनी है कि आप क्या यूज लिखेंगे इसका। ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज इम्पोर्टेंट फॉर स्टडीइंग देयर प्रॉपर्टीज एंड फॉर कन्वीनियंस। हम किसी भी चीज को ग्रुप क्यों करते हैं, अलग क्यों करते हैं? एक तो हम उसकी प्रॉपर्टी पढ़ने के लिए कि ये वाला जो अगर आपने ग्रुप बनाया है किसी भी स्क्वायर साइज का, तो आप उसके बारे में ये लिख सकते हैं कि यहाँ पर हमने सारी स्क्वायर थिंग्स स्टोर की हैं। तो आप उसकी प्रॉपर्टीज क्या, और कन्वीनियंस आप इजीली ढूंढ सकते हैं। किसी स्क्वायर थिंग को आप एक जगह रखेंगे, रेक्टेंगल को एक जगह रखेंगे, सर्किल को एक जगह रखेंगे, तो आप इजीली ढूंढ सकते हैं कन्वीनियंस अपनी सुविधा के लिए। इट इज डिफिकल्ट टू ग्रुप ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एग्जैक्ट कंपोनेंट्स, सो वी ग्रुप देम ऑन द बेसिस ऑफ सम कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ यूजेस। अगर जरूरी है, नहीं है कि अगर आप उसको कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग सॉर्ट करें, तो आप उसको यूजेस के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। द ऑब्जेक्ट कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस दे आर जनरली यूज फॉर। फॉर एग्जाम्पल, बस, कार, साइकिल, बाइक एक्सेट्रा, इनको आप ग्रुप किस में रखेंगे? व्हीकल के ग्रुप में। सिमिलरली, स्पून, प्लेट, बाउल आर ग्रुप्ड एज यूटेंसिल्स, इनको हम बर्तन में रखते हैं। लेट अस कंप्लीट द टेबल टू ग्रुप सम ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूजेस। तो आपको इन सभी के क्या क्या यूजेस हैं, ये टेबल आपको कंप्लीट करनी है। Now, next topic will be properties of materials. Third जो topic है हमारे इस chapter का, properties of materials. सबसे पहले first property, appearance. Appearance mean होता है दिखना, किसी भी चीज का वो कैसा दिखता है उसके अकॉर्डिंग हम उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। लस्टरस और नॉन लस्टरस। लस्टरस का मीन होता है, आप लिख सकते हैं शाइनी। किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर शाइन है दैट मीन वो लस्टरस है, और अगर उसमें शाइन नहीं है तो वो नॉन लस्टरस है। तो कैसा दिखने में शाइनी है, तो अपीयरेंस मीन दिखना। तो इसके अकॉर्डिंग हम डिवाइड करेंगे। एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, फिर मैं आपको नेम बता दूं क्या क्या प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। सेकेंड प्रॉपर्टी होगी टेक्सचर। टेक्सचर मीन कि उसका टेक्सचर कैसा है टच करने में, हार्ड है या सॉफ्ट है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। थर्ड स्टेट। स्टेट मीन किस स्टेट में, थ्री स्टेट्स होती हैं आपको बता दें, सॉलिड, लिक्विड और गैस। कौन सी स्टेट में है ये हम अलग करेंगे, सॉलिड थिंग्स को अलग रखेंगे, लिक्विड थिंग्स को अलग और गैसेस को अलग। इसके बाद सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है घुलना, किसी भी ऑब्जेक्ट में किसी भी लिक्विड में घुल जाना। तो सॉल्युबिलिटी में हम पढ़ेंगे सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। एग्जाम्पल देके बता देती हूँ। सॉल्युबल, जैसे हम वाटर में शुगर को डालते हैं तो शुगर सॉल्युबल है वाटर में, मिल जाती है चीनी पानी में, और एक बार घुलने के बाद अलग नहीं दिखता है, पानी उसमें मिल जाता है। और इनसॉल्युबल जैसे हम डस्ट है, अगर आप डस्ट को पानी में मिलाते हो तो वो उसमें इनसॉल्युबल नहीं होगी, अलग दिखती है डस्ट, चाहे नीचे बैठ जाती है लेकिन डस्ट अलग दिखती है। तो जो चीज घुल जाए वो सॉल्युबल है और जो चीज नहीं घुले वो इनसॉल्युबल है। फिफ्थ पॉइंट है एबिलिटी टू फ्लोट और सिंक इन वॉटर। आपने देखा होगा कुछ ऑब्जेक्ट पानी के ऊपर तैरते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट पानी में नीचे बैठ जाते हैं, तो क्या एबिलिटी होगी किस ऑब्जेक्ट की, कौन सा ऑब्जेक्ट ऊपर तैरेगा, फ्लोट मीन तैरना और सिंक मतलब नीचे बैठ जाना, तो कौन सा ऑब्जेक्ट नीचे बैठ जाएगा पानी में, उसके
लास्ट है जो प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मीन है दिखने में कैसा है, ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलूसेंट है और ओपेक, तीन चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट मीन होती है जिसमें से हम आर पार देख सकते हैं, जैसे कोई भी शीट है ग्लास की, कोई भी ग्लास है जिसमें से हम आर पार क्लियरली देख सकते हैं तो उसको तो हम ट्रांसपेरेंट बोलेंगे। सेकेंड होगा ट्रांसल्यूसेंट, दैट मीन कि आप आधा देख सकते हैं, पूरा आप कंप्लीटली आर पार नहीं देख सकते हैं, आपको पार्शियली थोड़ा थोड़ा दिखे आर पार तो उसको बोलेंगे ट्रांसल्यूसेंट। और थर्ड होगा ओपेक, ओपेक का मीन है कि आप बिल्कुल ही नहीं देख सकते, जैसे हम जो अपना चेहरा देखते हैं शीशे में ड्रेसिंग टेबल में तो उसका जो शीशा होता है कांच होता है वो ओपेक होता है जिसमें हम उसके दूसरी तरफ वाला नहीं देख सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज है मटेरियल्स की जिनको हम अभी एक्सप्लेन सेकेंड वीडियो में करेंगे। क्या क्या प्रॉपर्टीज है एक बार रिवाइज कर देती हूँ। अपीयरेंस, दिखना, लस्टरस है या नॉन लस्टरस, शाइनी है या नॉन शाइनी है। टेक्सचर क्या है, टच करने पर टेक्सचर क्या है उसका, हार्ड है या सॉफ्ट है मटेरियल। स्टेट के अकॉर्डिंग ग्रुप कर बनाएंगे, सॉलिड का अलग, लिक्विड का अलग, गैस का अलग। सॉल्युबिलिटी मीन पानी में घुलने की एबिलिटी, तो सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है, घुलेगा या नहीं घुलेगा। एबिलिटी टू फ्लोट और सिंक इन वाटर, पानी में डूबना या तैरना, इसकी एबिलिटी जो होगी। एंड लास्ट ट्रांसपेरेंसी, आप आर पार देख सकते हो, थोड़ा थोड़ा देख सकते हो या आर पार नहीं देख सकते हो। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक।